ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी बस मैं सोने ही वाला था कि मेरे पास एक क्वेरी आ गई, और इसको देखने के बाद मेरी जो नींद है वो उड़ गई है। इसमें जो प्रार्थी है उनकी पत्नी जो है वो उन्हें छोड़कर चली गई है, और उनकी एक संतान भी है, छोटी सी एक बेटी है, उसका भी ख्याल उसने नहीं किया। तो या तो आप शादी करिए ही मत, और अगर करते हो तो इस तरह की ये जो बचकानी हरकतें ये कभी ना करें। तो मेरे पास अभी एक क्वेरी आई है जिसमें कि वो लिखते हैं, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी पत्नी जिसका नाम कर्मपालजीत कौर और ममता है घर छोड़कर चली गई है और वापस नहीं आ रही है। मैं और मेरी 5 साल की बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे वापस लाने की बहुत कोशिश कर ली है, कई बाबाओं तांत्रिकों और गुरुओं के पास गया पर कोई भी हल नहीं मिला, कृपया मेरी मदद करें। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये जो औरत है ये मांगलिक है, और मांगलिक के साथ क्या होता है कि उनकी जो शादी होती है, जो दाम्पतिक जीवन जो इनका होता है, इसमें हमेशा हर्डल्स आती हैं। चाहे कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो मांगलिक है तो उनकी शादी में दरार आती ही आती है। बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिसको करने से ये दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये आगे लिखते हैं, इसको मैं काम पर लगवाया था मनी माजरा चंडीगढ़ में, वहाँ इसने मैनेजर नाम लिखा है के नाम से एक आदमी के साथ रिलेशन बना लिया और उसी के चक्कर में घर छोड़कर चली गई है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मांगलिक होता है तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। ये इंसान नहीं करता, ये वो ऊपर से लिखवा कर आते हैं कि उनके ऐसे रिलेशन बनेंगे। तो ऐसे संबंधों में ऐसे जो दिशा निर्देश ऊपर से मिलते हैं तो इसमें इंसान की कोई गलती नहीं होती। इंसान तो एक कठपुतली है जो कि चलता है, और उसे चलाने वाला कोई और है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ ना हो, आपका जो साथी है, आपकी जो संगनी है, वो आपके साथ रहे, तो आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली इस उपाय से आपकी संगनी, आपके साथी, आपके हस्बैंड आपके साथ रहेंगे। समय रहते यदि आपने ये उपाय कर दिया तो आपके पति जो हैं वो आपके साथ रहेंगे, आपकी संगनी जो है वो उम्र भर आपको छोड़कर नहीं जाएगी। आपने देखा होगा कि कई रिलेशन ऐसे होते हैं जिनमें कि सालों गुजर जाते हैं लेकिन फिर भी कभी दरार नहीं आती, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि 1 साल में ही टूट जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रिलेशन है वो मजबूत हो, स्ट्रांग बने, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये जो मंत्र है ये महामोहिनी मंत्र है जो कि स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र के जाप से आप अपने साथी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। समय के साथ साथ ऐसा होता है कि आकर्षण खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो साथी हैं वो बाहर रिलेशन शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको इस मोहिनी मंत्र से अपने साथी को बांध देना है। बांधना भी क्या कहेंगे इसको, उस पर लगा देना है, तो उम्र भर के लिए वो आपसे दूर नहीं होंगे। या फिर यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका जो साथी है वो कहीं दूर चला गया हो, उसको वापस बुलाना हो, या फिर आपका कोई प्रेम हो एक तरफा और आप उससे कह ना पा रहे हो, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो बहुत शर्मीले होते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आप जो हैं इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मोस्टली तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो
अपना जो कोई सच्चा प्यार करता है और वो कह ना पा रहा हो कहीं पर भी, उसे हिचकिचाहट हो और वो चाहता हो कि मैं अपने जो जज्बात हैं वो सामने वाले से व्यक्त कर सकूं, उसको बता सकूं, लेकिन एक आइस ब्रेकिंग उसे नहीं आती किस तरह से बात शुरू की जाए। तो उस जगह पर ये जो मंत्र, ये बड़े सटीक काम करते हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे जगह देखे जहाँ पर कि इन मंत्रों ने चमत्कार कर दिया है, क्योंकि कई लड़के जो होते हैं वो बड़े शर्मीले होते हैं और कई लड़कियाँ भी बहुत शर्मीली होती हैं, वो खुलकर अपनी बात कह नहीं पाती हैं। तो ऐसे में ये जो मोहिनी मंत्र है बहुत काम आते हैं। और ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना चमत्कारी है कि एक बार कर देने से सामने वाले को वशीभूत कर देता है। आपको क्या करना है कि 7 शुक्रवार इस मंत्र का 108 की संख्या में किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर जाप कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका साथी हो, साध्या हो, उसकी तरफ देखकर आपको ये मंत्र 7 बार बोल देना है। इससे उस पर मोहिनी लग जाएगी और ये ऐसी मोहिनी होगी जो कि जन्म जन्मांतर तक आपको इनके साथ रखेगी। यदि मन में सच्चा प्रेम हो और मिलने में जो है दिक्कत आ रही हो, कुछ कहने में, अपने विचार व्यक्त करने में कहीं दिक्कत आ रही हो, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते आपके मन में भी सच्चा प्रेम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एक रिलेशन जो है वो लास्ट करे उम्र भर के लिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी का अहित करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए मेरे मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों का प्रयोग करते हैं तो लाभ की जगह हानि भी भुगतनी पड़ सकती है। तो ये करना कैसे है? सबसे पहले तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपको सात्विक रहना है। सात्विक का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी भी तरह का मादक पदार्थ यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, कोई भी मांस मछली, मदिरा जो भी है सब बंद कर दीजिए और प्रभु भक्ति में लग जाइए। इसके बाद कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था कि जो मांस मदिरा का सेवन करते थे उनको राक्षस कहा जाता था, उनका एक अपना ही वर्ग होता था और उनके साथ जो है हमेशा छल कपट, कुछ बुराई होता रहता था। लेकिन जो देवतागण थे, जो देवगण थे, वो मांस मदिरा और इन सब चीज़ों से दूर रहते थे, तो इनकी एक अलग कैटेगरी थी। तो अगर आप देखेंगे तो जो मांस का भक्षण करते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। कभी कोई अच्छी खबर आए भी गई तो वो भी टूटी फूटी आएगी, थोड़ी देर की खुशी होगी फिर से वो गम में बदल जाएगी। तो आप एक साल के लिए सिर्फ आजमाने के लिए इस प्रयोग को करके देखिएगा कि जो मांस है, मदिरा है, इनको सिर्फ एक पॉज दे के देखिए एक साल के लिए और फिर देखिए आपकी जो ज़िंदगी है वो कैसे बदलती है। चलिए टॉपिक से नहीं भटकते, मैं आपको मंत्र की तरफ ले चलता हूँ। मंत्र है ओम नमो कट विकट घोर रूपिणी, इच्छित व्यक्ति का नाम ले, वश बनाए स्वाहा। जहाँ पर स्वाहा लग जाता है वहाँ पर हमें अग्नि को कुछ समर्पित करना पड़ता है। तो इस मंत्र में आपको छोटा सा यज्ञ करना पड़ सकता है अगर आप चाहें तो, वरना इसको ऐसे भी किया जा सकता है। आप इस मंत्र का जैसे 108 बार आहुतियाँ दे दें, घी ले लीजिए, हवन सामग्री ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए और इनको मिक्स करके जब पहली बार इसको करें तो आपको 108 बार स्वाहा को कुछ अर्पित करना होगा और उनसे 108 की आहुतियाँ देने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे देवी, ये मेरा इच्छित वर है, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी इसमें सहायता करें। और फिर जैसे मैंने बताया वैसा कीजिएगा तो आप पाएंगे कि ये जो मोहिनी मंत्र है
ये नाटकीय रूप से आपको वो सब देगा जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी। एक दो साल बाद आप देखेंगे कि मैंने कुछ ऐसा किया था जिससे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, और फिर आपको मेरी याद आएगी कि मैंने कोई ऐसा वीडियो देखा था, कुछ ऐसा सुना था और उस पर मैंने अमल किया तो आज मैं यहाँ हूँ। तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैं कुछ ऐसे रिसर्च करता रहता हूँ जो कि बाद में मैं देखता हूँ कि ये चमत्कार हुआ कैसे, और फिर मैं भूल जाता हूँ कई बार तो कि ये हुआ कैसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिनको कि मैं उन पर रिसर्च करता रहता हूँ, अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो वैसा होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी ज़िंदगी में एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं, और फिर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैंने क्या किया था वो मैं भूल जाता हूँ। तो आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि आपने ये प्रोसेस किया था, इसके बाद से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, कुछ दिक्कत आ रही हो तो कॉल कीजिएगा 9992841625। आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं kaliavidya.com पर, जहाँ पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।